ये देख सकते हैं टिटिहरी पक्षी जो है इनको परेशान कर रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों फिलहाल अभी हम आए हैं अपने ताल वाले खेत के पास और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हमारे दो सारस दिखाई दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर देखिए वो रहा, अगर आपको हम जूम करके दिखाएं तो ये देख सकते हैं, अगर हम आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करें तो वो रहे दो सारस। और इसी तरीके से हमारे यहाँ आते रहते हैं और ज़्यादातर जोड़े में आते हैं, सिंगल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर हम पास में जाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। वाओ, देख सकते हैं एक टिटिहरी उनको परेशान कर रही है, उससे बचने के लिए किस तरीके से अपने सर को झुका रहे हैं। हो सकता है टिटिहरी वहाँ पर बच्चा दिए हो इसलिए वो इनको परेशान कर रही है, एक बार हम पास में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। अब ये भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं टिटिहरी पक्षी जो है इनको परेशान कर रही है, हमें ऐसा लगता है वहाँ पर इनके बच्चे फिर अंडे अंडे होंगे, उसी की डर की वजह से इनको परेशान कर रहे हैं। और करीब जाने की कोशिश करते हैं। वाह, देख सकते हैं किस तरीके से जंप कर रहे हैं। जितने हम करीब जा रहे हैं उतने ये लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर आपको कैमरे में बहुत अच्छी तरीके से दिखा नहीं सकते क्योंकि ये मोबाइल का कैमरा है, लेकिन आंखों से जो हम दृश्य देख रहे हैं वो काफ़ी औसम लग रहा है। वाओ, इसी तरीके से हमारे गांव से कुछ दूर पर ही एक और नया सारस देखने को मिला है, जो कि किसी ने खास तौर पर उसे पाला नहीं है, लेकिन वो भी गांव में टहलता रहता है अलग अलग घरों के पास में। अगर आप कहेंगे तो हम आप सभी को उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा हम और करीब में जाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना अच्छा दृश्य है ये। ये देखिए पट्टी कर दिए, ये नज़ारा काफ़ी औसम है, बट हम आप सभी को मोबाइल के कैमरे से अच्छी तरीके से साफ नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हमें लगता है ये उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए फ्लाइंग करेंगे। अब ये देखिए दूसरी जगह पर चले गए।